अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद हो गया आप सब अच्छे हो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो लोग इंडिया से सऊदी अरब आने वाले हैं दोस्तों, उनके लिए एक नया कानून अभी निकाला गया है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर एक आपको फार्म जो है अभी फुल करना पड़ेगा। दोस्तों जितने भाई अभी सऊदी अरब आ रहे हैं उनके लिए लाजिम ये फार्म जो है भर के ही आपको आना होगा। ये न्यू फार्म है दोस्तों, अभी नया तरीका निकाला है उन्होंने, तो आप जितने भाई आने वाले हैं तो उसको आपको पूरा उसको भर के ही तभी वहाँ से निकलना है, उससे पहले आप यहाँ पर ना आए। ठीक है, कैसे कैसे भरना है, क्या किसमें भरना है मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लीज़ इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, इंशाल्लाह उसका भी आपको हम सोल्यूशन जरूर देंगे। जो लोग अभी इंडिया में हैं उनके लिए वीडियो है दोस्तों, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए और इंशाल्लाह समझिए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर जब आप इस लिंक पर मेरे जो मैं लिंक दूँगा दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इस लिंक पर क्लिक करोगे देख सकते हैं यहाँ पर ये लिंक है मेरे पास। जब इस पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों ये सिंपली आपको पहुँचा देगा इस वाले पेज पर। तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन और चेक रजिस्ट्रेशन, यानी आपने अगर चेक कर लिया ऑलरेडी तो उसको आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया जा रहा है कि आपका क्या क्या इसका टर्म्स एंड कंडीशन है, तो यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, इनको आपको फॉलो करना होगा। तो इसमें से क्या क्या लिखा है दोस्तों, मैं वैक्सीन के बारे में बता दूँ, इसमें आपको यहाँ पर मैं नीचे बताऊँगा कि कौन कौन सी वैक्सीन है, कितनी कितनी आपको लेनी होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक वो लिखा हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर 72 घंटे का टाइम लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 72 घंटे का टाइम। तो इससे पहले पहले ये फिल जो आपको फॉर्म जो है फिल करना होगा, उससे पहले आपको ये आप ये नहीं कि आज इसको फिल करके रख लो और मैं आप जाऊँगा एक महीने बाद, तो ऐसा नहीं होगा, आपको 72 घंटे पहले इसको डालना होगा इस पर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैं बता दूँ आपको थोड़ी सी और जानकारी दे दूँ दोस्तों, यहाँ पर आप सऊदी अरब में आएंगे और यहाँ पर क्वारंटीन में रहने के लिए आपको तकरीबन आपको 3000 से लेके 3500 या 2400-2500 इस तरह से लगेगा आपको। सऊदी में रियाद, दम्माम और जद्दा, तीन जगह में आपको ये क्वारंटीन का मिलेगा, इनमें से आप किधर भी जा सकते हैं। लेकिन इनका जो बहुत ही ज़्यादा खर्चा है दोस्तों, ये ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। चलिए इसको कैसे भरना है इस वाले इसके लिए हम बात करते हैं दोस्तों। सिंपल है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका जो एकामे में जो नाम होता है पासपोर्ट में जो नाम होता है, सबसे पहले आपको वो डाल लेना है। ठीक है, यहाँ पर डाल लेना है दोस्तों। अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक ये हिंदी इंग्लिश करने वाली जो है ये, अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है मैंने इसको कैसे करता हूँ, तो आप भी इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इसको देख करके आप अपने तरीके से इसको पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं अगर आपको इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, तो सिंपली आपको ये करना है। तो सबसे पहले आपको बता दूँ मैं, यहाँ पर आपको पहला फर्स्ट नेम डाल देना है, जो भी आपका एकामा में नाम है पासपोर्ट में नाम है वो डाल देना है। उसके बाद पासपोर्ट नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर नेशनलिटी, आप कौन सी सिटी से, कौन से जगह से हो, इंडिया से हो, कहाँ से हो। ठीक है, हम जैसे इंडिया से है तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो सभी के सभी यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टोटल आ जाएगा। उसके बाद जो आपकी नेशनलिटी के बाद में दोस्तों आपको करना क्या है, तो उसके बाद में दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं कि आप किस चीज़ से ट्रैवल कर रहे हो, बस से कर रहे हो या आप फ्लाइट्स के थ्रू आ रहे हो। तो आपको जो भी है इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फ्लाइट का नंबर लिखना है, यहाँ पर आपका इसका जो डेट है डेट लिख देना फ्लाइट की, स्टेशन कौन सी जगह से आ रहे हो यहाँ पर भी आपको लिख देना है। उसके बाद दोस्तों कुछ यहाँ पर और इम्पोर्टेंट सेटिंग आपको यहाँ पर लिखी हुई आ रही है, यहाँ पर आपको करना क्या है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो स्टेटस है, यहाँ पर ये लिखना है जो आप कौन सी कंट्री में वैक्सीन लिए हो। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपका जो उन भी कंट्री से आपने वैक्सीन ली है तो यहाँ पर आपको डाल देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली नीचे और आया टाइप योर वैक्सीन, आपने कौन सी वैक्सीन ली है, जिसकी मैं बात करने वाला दोस्तों आपको यहाँ पर चार वैक्सीन का नाम सऊदी अरब ने बताया है कि किन वैक्सीन से अगर आप लगाते हैं तो आपको क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन वैक्सीन को लगा लेते हो तो क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं, अगर और किसी वैक्सीन से अगर आप सऊदी अरब में एंट्री करते हो तो दोस्तों आपको लाजिम क्वारंटीन करना होगा, जिसमें कि आपको तकरीबन 2500-3000 के बीच में आपको क्वारंटीन का खर्चा आएगा, वो हुकूमत नहीं देगी, आपको खुद से पे करना होगा। तो इसके लिए लाजिम से ही ये वैक्सीन लगवा करके आ सकते हैं। अगर आपको दोस्तों पता नहीं है कि कौन सी वैक्सीन इंडिया में इनमें से लग रही है, तो इंशाल्लाह कमेंट कीजिए, मैं इनकी डिटेल निकाल के आपको बताऊँगा कि कौन सी वैक्सीन इंडिया में, यही वैक्सीन में से कौन सी वैक्सीन आपको इंडिया में भी लग रही है। तो इसके बाद बता दो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ वैक्सीन का नाम लिखा हुआ है, कितने कितने दो आपको वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, पी फाइजर की, ठीक है, एस्ट्राजेनेका यहाँ पर दो लगवानी पड़ेगी, यहाँ पर मॉडर्ना वैक्सीन है यहाँ पर भी दो लगवानी पड़ेगी, और जॉनसन वैक्सीन है आपको यहाँ पर एक वैक्सीन में भी काम चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पर जो ये एक कोड दिया जाता है इसको आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ पर क्लिक कर लेना है।
उसके बाद सिंपली यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे साइनअप पर क्लिक कर देना है, तो ये आपका फार्म जो है बर्गर के रेडी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ भी परेशानी है, कुछ भी प्रॉब्लम है दोस्तों, इंशाल्लाह मुझे कमेंट कीजिए, कुछ भी जो सोल्यूशन होगा आपको मैं निकाल करके दूंगा। लिंक इसका वेबसाइट का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप सिंपली क्लिक करना, क्लिक करने के बाद सीधा आप हमारे इस वाले लिंक पर पहुँच जाएगा और यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। करना होगा 72 घंटे पहले, आप इसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्या तरीका है, इसको लिंक को कॉपी करके रख लीजिए किधर भी, बाद में आपको ये मुमकिन हो सकता ना मिले, काफ़ी मुश्किल हो, तो ये आपको कॉपी करके रख लेना, जैसे मैंने देख सकते हैं यहाँ पर कॉपी करके रख लेता हूँ मैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो आपको भी ये कर लेना है। तो चलिए, वीडियो छोटी सी पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी इसी तरह की वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।